नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आकृति। आज मैं बहुत ही खूबसूरत प्लांट के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ, जिस प्लांट का नाम एलमेंडा है। इसे गोल्डन ट्रम्पेट वाइन के नाम से भी जानते हैं, पर आम भाषा में ये एलमेंडा के नाम से प्रसिद्ध है। ये मेनली तीन प्रकार के होते हैं। पहला, जिसका फ्लावर्स बहुत ही बड़े साइज में होते हैं और ये पर्पल और पिंक कलर में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। दूसरी जो इसकी वैरायटी है वो ड्रॉफ्ट वैरायटी की होती है, इसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती। और जो तीसरी होती है वाइन के रूप में, जो वो लताओं के जैसा आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये वाइन वैरायटी की प्लांट है। पहले जब मैं इसे नर्सरी से इस प्लांट को लाई थी, बहुत ही छोटा सा प्लांट था, तो इसे मैंने छोटे से गमले में लगाए थे। उस समय पता नहीं चल पाया था कि ये ड्रॉफ्ट वैरायटी की है या फिर वाइन वैरायटी की। जब इसमें नए नए बेल्स निकलने लगे, लताएं निकलने लगी, तब मैंने इसे दूसरे बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया। और अब आप मेरे प्लांट को देख सकते हैं कि ये कितने फूलों से भरे हुए प्लांट हैं। और इसे मैंने ज़मीन में नहीं बल्कि एक पॉट में ही लगाया है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि इतने सारे फ्लावर्स तभी हमें मिल सकते हैं जब हम प्लांट को ज़मीन में लगाए। पर मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिसे आप यूज़ करेंगे तो आप छोटे से आप गमले में भी लगा करके, पॉट में भी लगा करके आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर पा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि कुछ मैं ऐसे चार पांच बातें बताऊंगी जिसे आप यूज़ करेंगे तो आप पॉट में भी लगा कर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर पा सकते हैं। तो ये जो गोल्डन ट्रम्पेट वाइन या एलमेंडा प्लांट जो है, ये समर प्लांट है और ये प्लांट मेरा 2.5 से 3 साल पुराना है। फ्लावरिंग के लिए अगर आप फ्लावर्स के ज़्यादा पाना चाहते हैं तो ये बेस्ट समर फ्लावरिंग प्लांट है। समर के टाइम अप्रैल के आसपास से इसकी फ्लावर होना शुरू हो जाते हैं और नवंबर स्टार्टिंग तक आपको फ्लावर्स मिलते रहेंगे। विंटर में ये डोरमेंट पीरियड में चले जाते हैं, डोरमेंसी में, तब उस समय आप इसे आराम से मीन्स सोने दें, ना तो ज़्यादा फर्टिलाइजर दें, ना इसकी प्रूनिंग ज़्यादा करें। अपने आप जब इसका समय आएगा अप्रैल के आसपास, तब ये फ्लावरिंग करना शुरू करेंगे। तो इस प्लांट के सबसे पहला जो पॉइंट है, आप इसकी लोकेशन, आप इसे ऐसे जगह लोकेट करें, ऐसे जगह पे रखें जहाँ पे इसे कम से कम 6 से 7 घंटे या कम से कम 5 से 6 घंटे की सनलाइट मिलते रहे। मेरे इस प्लांट को कम से कम 6 से 7 घंटे डायरेक्ट सनलाइट भी मिलते हैं और इस प्लांट को कुछ नहीं होता, बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग करते हैं। अगर आपके बालकनी या आपके घर में अगर सनलाइट नहीं आते हैं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ निकलेंगी, पर फ्लावर्स उतने नहीं आएंगे जितने मेरे प्लांट में आप देख रहे हैं। या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट में रखेंगे तभी आपको इस प्रकार के फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे। सनलाइट के बाद, लोकेशन के बाद, हम सॉइल की बात करते हैं। तो ये प्लांट को, ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसे मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल में ही लगाया है और कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया, ना तो मैंने इसमें सैंड ऐड किया, ना कोई कंपोस्ट, ना ही कुछ भी, बस नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगाया। बस बीच बीच में मैं इसे फर्टिलाइज़र देते रहती हूँ। तो वो कौन सा फर्टिलाइज़र है आप आगे भी मैं बताऊँगी। सॉइल के बाद हम इसकी जो है पॉट की बात करते हैं। तो आप मेरा पॉट देख सकते हैं, मैंने इसे पहले छोटा पॉट में लगाया था, बट ये जब इसकी ग्रोथ अच्छी होने लगी मैंने इसे ट्रांसफ़र कर दिया और ये बड़े पॉट में, ये एक प्लास्टिक का बड़ा सा ड्रम था तो मैंने उसे कट करके उस ड्रम में मैंने लगाया। और आप क्योंकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है तो इसकी जो रूट है वो भी अच्छा डेवलप हो सके, इसलिए मैंने इसे बड़ा पॉट दे दिया। अगर आप इसे छोटा पॉट देंगे तो इसकी रूट जो डेवलप नहीं हो पाएगी और उसके कारण आपके प्लांट ऊपर से भी बड़े नहीं हो पाएंगे, तो आप इसे बड़ा पॉट ज़रूर दें। इस प्लांट में एक और प्रॉब्लम आ जाते हैं, जो कीड़े वाइट कलर के फंगस जैसे लग जाते हैं, तो मिली बग जैसा रहता है। तो आप इसे मंथली या 15 दिन में स्प्रे ज़रूर करते रहिए। कोई भी नीम ऑयल या कोई भी पेस्टिसाइड, बहुत सारे पेस्टिसाइड मैंने बताया है वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं, उससे आप ज़रूर स्प्रे करें जिससे आपके प्लांट सेफ रहे। फर्टिलाइज़र की बात अब करते हैं। तो फर्टिलाइज़र, मैं सिर्फ इसे 2 ही फर्टिलाइज़र देती हूँ। पहला जो है वो किचन वेस्ट से बना हुआ फर्टिलाइज़र, वो सब्जियों से जो बने हुए रहते हैं, कच्ची सब्जियां, फलों के, जो रात भर पानी में मैं उसे भिगो देती हूँ,
उसे फिर नेक्स्ट डे डाल देती हूँ। ये भी कितने तरह के बनते हैं वो भी मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। दूसरा फर्टिलाइजर जो है वो बनाना पील फर्टिलाइजर। ये फर्टिलाइजर बेस्ट फर्टिलाइजर है आपके प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स लाने के लिए। आप केले के छिलकों को भिगो के रखिए और उसके बाद उसे पानी में छान करके, या फिर उसको आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। आप मिट्टियों पे देख रहे हैं ये सूखे हुए, जो दो तीन बार यूज़ करने के बाद जब ये बनाना जो रहता है बचा हुआ, मैं इसी में डाल देती हूँ। ये कंपोस्ट बदल जाते हैं धीरे धीरे। और बीच बीच में आप इस प्लांट की गुड़ाई कर दें, ज़्यादा ना करें क्योंकि इसके रूट डैमेज ना हो, पूरी तरह फैले रहते हैं रूट, इसलिए साइड साइड से थोड़ा सा आप इसकी गुड़ाई कर दें जिससे कि अच्छे से ब्रीथ कर सके। तो बस मैं यही चार पांच चीज अपने प्लांट के लिए करती हूँ। और आप देख सकते हैं पूरे गुच्छों से भरे हुए फ्लावर्स हैं और पूरा एक साथ 5 से 6 कलियाँ आते रहती हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलते हैं किसी अगले प्लांट के साथ अगली वीडियो में। तब तक हैप्पी गार्डनिंग।